इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूथनेशिया के बारे में। यूथनेशिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गुड डेथ, मतलब कि मरने का जो प्रोसेस है वो आसान कर दिया जाए। यूथनेशिया का मतलब होता है कि नॉर्मल टर्म्स में अगर समझे तो कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई फैमिली है, वो बहुत बूढ़ा हो गया है, वो एक तरह से सफ़र कर रहा है ज़िंदगी को, है ना। तो इस सिचुएशन में वो चाहता है कि उसका जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाए, या कोई उसको कोई चाहता है कि उस व्यक्ति का ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो इसको कह सकते हैं हम लोग यूथनेशिया। ये मेनली दो तरह का होता है, पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है और उसको कोई संभालने वाला नहीं है, और उसका जो एक एक ऐसा दवाई है जिसको खाने के बाद ही वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है। तो इस सिचुएशन में जो डॉक्टर है वो क्या करेंगे, उसको एक ऐसा ड्रग्स दे देंगे जिससे कि जिसको खाने के बाद वो व्यक्ति तुरंत मर जाए। तो इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया, मतलब वो जो व्यक्ति था वो एक ऐसा ड्रग उसको दे दिया जिसको खाने के बाद वो तुरंत मर गया। पैसिव क्या होता है, फिर सेम सिचुएशन लेते हैं, इसमें वो व्यक्ति को कैंसर है और एक ऐसा ड्रग है जिसको खाने के बाद ही वो व्यक्ति जिंदा रहता है। इस सिचुएशन में पैसिव वाले में क्या किया जाएगा, वो जो ड्रग है जिसको खाने के बाद ही वो व्यक्ति जिंदा रहता है उसको रोक दिया जाएगा। चूंकि वो ड्रग उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, इसलिए वो बिना उस ड्रग को खाए वो व्यक्ति मर जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव यूथनेशिया। फिर एक होता है वॉलेंट्री, मतलब जो मरने वाला व्यक्ति है वो खुद एक तरह से इच्छा उत्पन्न करता है कि भाई अब हमको मार दो, ये ज़िंदगी अब मेरे लिए नहीं है, तो वो हो गया एक वॉलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री में क्या होता है, जैसे कि उस व्यक्ति का मर्जी नहीं रहता है, बट कोई डॉक्टर या कोई एक बहुत ही अच्छा आदमी या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको लगे कि उसको मर जाना चाहिए, वो अगर वहाँ पे पहल करता है और उस व्यक्ति को मार देता है तो उसको नॉन वॉलेंट्री बोलते हैं। तो नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया को एक तरह से किलिंग भी कह सकते हैं कि वो उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, है ना। तो यूथनेशिया से रिलेटेड ये सब कुछ कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपको के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग कमेंट में बताओ कि यूथनेशिया अच्छी बात है या ख़राब बात है, क्या किसी व्यक्ति को यूथनेशिया लेने का परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।